जाना पड़ूंगी यहाँ सर, इधर चले जाएंगे सर। खाना पीना भी चार दिन से खाए हैं, भूखे हैं, घर में बच्चा भी हो रहा, बहन भाई सब हो रहा, तनख्वाह भी नहीं मिला, फैक्ट्री भी बंद करवा दिया सर सब कुछ। कम से कम लेबर के लिए तो सर जाने के लिए कोई व्यवस्था लगवाता, हम लोग भूखे मर जाएंगे। नई भी बीमारी है सर, वो भी फैल जाएगा, क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए। कोई तो व्यवस्था सरकार एक दिन के लिए सर रोक सकता था कि हम लोग जा सकते हैं, कोई ना कोई गुंजाइश लगा देता, हम लोग यहाँ रास्ते पर मर जाएंगे, तो वो लोग भी सरकार का गलती है सर। बिहार में लॉकडाउन का सबसे बड़ा दर्द उन मजदूरों को दिया है जो गांव से बाहर रहकर कमाई कर रहे थे। कर्फ्यू से काम छूटा तो खाने के लाले पड़ गए हैं। जहां तहां फंसे मजदूर अब किसी तरह से घर पहुंचना चाह रहे हैं। मोटर गाड़ी बंद होने से पैदल ही राह नापने को मजबूर हैं। बक्सर में सड़क निर्माण कंपनी में काम कर रहे दर्जनों मजदूर पिछले 3 दिनों से पूर्णिया के लिए सफर कर रहे हैं। वहीं पटना सिटी से रवाना हुए आधे दर्जन मजदूर 3 दिनों बाद पैदल ही सहरसा के बख्तियारपुर पहुंच गए हैं। हम लोग भूखे 4-5 दिन से हैं, खाए पिए कुछ नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं है साथ में, भूखे जाएंगे और मर जाएंगे सर भूखे प्यासे में। तो चलते चलते तक सर 100 किलोमीटर चल चुके, पिचिंग रोड काम बनाते थे, ये प्लांट में काम करते हैं सर। कहाँ? पिचिंग रोड बनाते हैं वही कुसौर में। लौटने के क्रम में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा इन लोगों को, और ये लोग पैदल चल के आए हैं। और बुधवार को ये लोग सुबह चले थे, वहाँ से कई एक पड़ाव पे रुकने के बाद आज सवेरे ये लोग सिमरी बख्तियारपुर दुर्गा स्थान गली होके गुजर रहे थे अपने गंतव्य की ओर, जो सिमरी बख्तियारपुर से लगभग 7 किलोमीटर लगभग दूर है, और चकमक्का गांव के पास एक गांव है इनका, वहीं के ये लोग निवासी थे और मजदूरी करते हैं, पटना में रहते हैं ये लोग। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इनको आने में यहाँ पे, और बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे हम लोग कि जो बाहर के लोग हैं जो अपने गंतव्य घर को आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक व्यवस्था सुनिश्चित करे कि उनको सही तरीके से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार का दायित्व बनता है। सरकार इसके लिए पहल करे, ऐसे लोगों को घर पहुंचाया जाए। हम लोग को कोई गाड़ी नहीं मिला, नहीं कोई व्यवस्था मिला, हम लोग वहाँ से चले सीधा अपना सफ़र काटने में दो रोज टाइम कट गया। आज शुक्रवार है, आज पहुँचे 10 बजे, यहाँ से इस्लामपुर चकमक्का गाँव जाना है। छुट्टी इसलिए हुआ कोरोना वायरस के चक्कर में सबको बदला, सब कुछ मतलब बंद हो गया, दुकान दौरी कुछ भी नहीं मिला, खाने पीने का साधन नहीं था, इसीलिए हम वहाँ से चल दिए। कहाँ रह रहे थे आप? कंकरबाग। क्या करते थे वहाँ? वहाँ मजदूरी कर रहे थे। रास्ते में जांच वगैरह नहीं हुई कहीं भी? रास्ते में चेक किया तो बताया जांच हो चुका है, तो बोला ठीक है। वहाँ से कंफर्म फोन हुआ, बात हुआ, उसके बाद बोला ठीक है निकलते रहो। तो लोग सर पैदल जा रहे हैं, देखिए गरीब आदमी 5 दिन से कम घर के लिए भी कोई व्यवस्था सर लगा देता तो हम लोग चले जाते कि नहीं। 10-15 लेबर सर।